Hey guys, welcome back to the channel, the Bitcoin Burner. तो ये वीडियो होने वाली है Dogecoin के ऊपर. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है Dogecoin के रिगार्डिंग निकल के आ रही है, वो आपके साथ शेयर करूँगा. इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाला हूँ. प्रॉपर टीए चार्ट शेयर करूँगा. सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, बाय जोन, इंडियन रुपीज़, यूएस डॉलर्स, बहुत करेंसीज़ में वैल्यू बताई जाएंगी. प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, क्या मूवमेंट हो सकती है. तो प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल एंड तक देखें. फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर जंप करूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है. SpaceX Dogecoin funded Doge 1 mission set to launch in quarter 2022. तो बेसिकली आप सबको ये चीज़ हमने पहले भी शेयर की हुई है, जो लोगों को नहीं पता उनको बताता हूँ. यहाँ पे जो है एक सैटेलाइट को जो फंडेड की गई है SpaceX एंड Dogecoin के द्वारा, वो आपको ऊपर स्पेस में जाते हुए नजर आएगी. इसका जो प्रोजेक्ट है वो उसकी जो प्रॉपर असेंबली है वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है quarter 1 2022 में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए निकल के आती है क्योंकि उस टाइम के अराउंड इसके रिगार्डिंग हाइप रहेगी. तो जो लोग सोच रहे हैं एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो नो डाउट वो quarter 1 2022 तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे नीचे करेक्शन देखने को मिलती है और आपको जो एरियाज में बताने वाला हूँ वहाँ पर आपको बाइंग मिल जाती है, स्पॉट बाइंग मिल जाती है एक लॉन्ग टर्म के लिए, और quarter 2022 वो टाइम हो सकता है जब आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएं. तो पहली न्यूज़ शेयर कर दी. दूसरी न्यूज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है, Dogecoin विड्रॉल्स जो है उसको सस्पेंड किया गया Binance के द्वारा, क्योंकि बेसिकली कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस और ट्रांजैक्शंस में निकल के आ रही थी जब से अपग्रेड किया Binance ने. तो Doge के विड्रॉल्स को यहाँ पे सस्पेंड किया गया. तो ये भी एक मेजर अपडेट थी, वो आपके साथ शेयर कर दी है. फिलहाल Dogecoin की करंट वैल्यू चेकआउट करते हैं. टीए चार्ट शेयर करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बाइंग अपॉर्चुनिटी के जोन में आता हूँ. तो 18.96 के अराउंड ट्रेड कर रहा है अपना Dogecoin. और अगर मैं बात कर लूँ यूएस डॉलर्स में तो 0.254 सेंट्स पर ट्रेड करता हुआ Dogecoin नजर आ रहा है. 2.10% से यहाँ पे जो है Doge की वैल्यू डाउन जा रही है. इसका THR टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर है. जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. लो एक चैनल के रिगार्डिंग अपडेट, एक वीडियो मैंने डाली थी सुबह मार्केट न्यूज़ के ऊपर, उसके साथ आपको शेयर किया था कि ये वाले सपोर्ट एरियाज टेस्ट होते हुए आपको नजर आ सकते हैं, वो चीज़ हमें होते हुए नजर आ रही है. फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप न्यूज़ सेक्शन की वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं. काफ़ी नई अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है जो आपके साथ शेयर की गई हैं. फिलहाल यहाँ पे Dogecoin की वीडियो खोलते हैं और बात कर लेते हैं Dogecoin के ऊपर बात कर लेते हैं इस वीडियो में अब, और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर बात कर लेते हैं. फिलहाल जो क्रूशियल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं 0.253 पे, जो कि इंडियन रुपीज़ में 18.84 के अराउंड एरिया बनता है, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का एरिया बनता है. अगर मैं जो BTC है अपने सपोर्ट का रिस्पेक्ट देके ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो समवन अराउंड 18.80 के अराउंड एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है. पर यहाँ पे मैं ध्यान देना है, अगर मैं फर्दर करेक्शन देखने को मिली और मिलती है 530-930 कैंडल क्लोजिंग अगर सपोर्ट एरिया के ऊपर नहीं मिलती है तो जो नेक्स्ट एक नीचे सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो बना हुआ है 0.235 से लेके 0.238, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा बाइंग जोन है. यहाँ पे आप इधर बाइंग करके Doge एक लॉन्ग टर्म स्पॉट बाइंग करके लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं. जो एरिया बनता है वो आपसे शेयर कर देता हूँ 17.50 से लेके 17.72. अगर हमें यहाँ पे जो है क्रूशियल एक और नीचे वाला सपोर्ट एरिया भी बताया था आपको 16.31 से लेके 16.45, 0.219 से लेके 0.221 का ये वाला एरिया बनता है. तो ये तीन सपोर्ट एरियाज हैं. अगर मैं 530 एंड 930 कैंडल क्लोजिंग इस सपोर्ट एरिया के ऊपर मिलती है तो आपको जो ऊपर का ये वाला रेजिस्टेंस जोन है और BTC प्राइस एक्शन पे ध्यान देना, BTC की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको ये वाला ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया वो टेस्ट होते हुए Dogecoin से नज़र आ सकता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 19.51 का एरिया बनता है. उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है 20.37 देखने को मिल रही है 0.2736, उसके बाद 0.2778 पे एक और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना हुआ है जो कि इंडियन रुपीज़ में 20.62 का एरिया बनता है. तो ये क्रूशियल जोन्स हैं, रेजिस्टेंस जोन्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. 9:530-9:930 के जो कैंडल क्लोजिंग्स हैं वो सपोर्ट एरिया के ऊपर हो तो आपको जो ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज को टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं. BTC के प्राइस एक्शन प्राइस मूवमेंट को बहुत अच्छे से नज़र में रखना है. अगर हम BTC में फर्दर डंप देखने को मिलता है तो आपको ये नीचे का सपोर्ट एरिया टेस्ट होते हुए नजर आ सकता है और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का एरिया बनता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में फिर से बोल देता हूँ 17.50 से लेकर 17.72 का एरिया बनता है. तो फिलहाल आपके साथ एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट शेयर करनी है वो है BTC और Bitcoin की प्राइस मूवमेंट. वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 63,721 के एरिया में. आपके साथ जो सुबह वीडियो बताया था कि ये वाला टेस्ट होता हुआ एरिया नज़र आएगा वो तब हमें नज़र आ रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट बनी हुई है ये वाली, बेसिकली ये वाला जोन जो था सपोर्ट जोन यहाँ पे बना हुआ है और अभी उसके अराउंड यहाँ पे ही हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है BTC. तो आपको जो नेक्स्ट फर्दर सपोर्ट हमें देखने को मिलती है, अगर और ज़्यादा करेक्शन होती है यहाँ पे BTC में तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें ये वाली एक ट्रेंड लाइन हमने खींची है वहाँ पे देखने को मिल रही है 62933 पे.
उसके बाद 62,203 डॉलर से लेकर 62,332 डॉलर से एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे BTC के लिए बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टेस्ट होती है और डंप्स होते हैं तो आपको ऑल्ट कॉइन्स और ब्लीड होते हुए नजर आ सकते हैं, और जो मैंने आपके साथ एरिया शेयर किया है वो वाले अगर एरिया हिट होते हैं तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के एरिया बनते हैं। BTC प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो कर देना, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट चार्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। और एक चीज़ और, मेरे जो चार्ट्स हैं नो डाउट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट करते हैं, पर इसको एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मेरे TA चार्ट्स को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, मेरा कंटेंट को एज एन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के तौर पर कंज्यूम कीजिए, मेरे TA को आप अपने TA के साथ मैच आउट कर सकते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डोजकॉइन के रिगार्डिंग वो यहीं तक थी। चैनल के रिगार्डिंग अपडेट देता हूँ आप लोगों को। मैंने आपके साथ जो कल है टॉप ऑल्ट्स टू बाय शेयर किया था कि अगर आपको करेक्शंस और देखने को मिलती है तो इन ऑल्ट कॉइन को आप स्पॉट पर बाइंग करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्गर रन के लिए, तो आप इस वीडियो को जाके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी डोज की वीडियो के बाद, तो अगर आपको सारा कंटेंट देखना है, कोई कंटेंट मिस नहीं करना है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। फिलहाल मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और बचाने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।